गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों, आज आप ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट डिजाइन सब्जेक्ट की अंदर चेप्टर नंबर चार डिजाइन ऑफ बेरिंग्स तेनी अंदर रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग अलग अलग टाइप्स विषय चर्चा कर रहा छे, जेमा आज रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग अंदर रोलर बेरिंग अने तेना प्रकार विषय चर्चा करीशुं। तो रोलर बेरिंग नी अंदर कहेवामां आवे छे, रोलिंग बेरिंग यूज सिलिंड्रिकल रोलर, टेपर रोलर और स्फेरिकल रोलर एज द रोलिंग एलिमेंट। द कॉन्टेक्ट बिटवीन द इनर रेस एंड आउटर एंड द रोलर और आउटर रेस एंड रोलर इज लाइन कॉन्टेक्ट। रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग जे छे तेमा रोलर जे छे ते सिलिंड्रिकल टाइप ना होय छे, टेपर टाइप ना होय छे, स्फेरिकल शेप ना रोलर नो उपयोग करीने बनावामां आवे छे। रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग नी अंदर जे रोलर अने इनर रेस छे तेना वच्चे नो कॉन्टेक्ट अने आउटर रेस अने रोलर वच्चे नो कॉन्टेक्ट लाइन टाइप नो कॉन्टेक्ट बने छे। जारे बॉल बेरिंग नी अंदर बॉल अने इनर रेस अथवा तो बॉल अने आउटर रेस नो कॉन्टेक्ट पॉइंट फंक्शन मां छे, पॉइंट कॉन्टेक्ट मां छे। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट द रोलर बेरिंग हैव द लाइट हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू बॉल बेरिंग। सम ऑफ टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड रोलर बेरिंग आर डिस्कस बिलो। रोलर बेरिंग अंदर तेना कॉन्टेक्ट सपाटी ने ध्यान में लई तेनी लोड कैरिंग कैपेसिटी जे छे ते बॉल बेरिंग ना सापेक्षे प्रमाण में वधारे छे। आवा रोलर बेरिंग विषय की चर्चा नीचे मुजब करवामां आवी छे। रोलर बेरिंग नी अंदर सौथी पहला आपणे जोईए सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग। सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग जे छे तेनी रचना अहीं आकृति में बतावा प्रमाणे नी छे। सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग हैव अ ग्रेटर रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी देन द बॉल बेरिंग ऑफ द सेम साइज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर कॉन्टेक्ट एरिया। सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग जे छे तेनी रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी बॉल बेरिंग करता प्रमाण में वधारे छे सेम साइज माटे, कारण के तेनो कॉन्टेक्ट एरिया जे छे ते बॉल बेरिंग करता प्रमाण में वधे छे। इन एडिशन दे हैव हाई रिजिडिटी, आ उपरांत तेनी जे रिजिडिटी छे ते वधारे छे। हाउ एवर दे केन नॉट टेक थ्रस्ट लोड, आ उपरांत तेओ थ्रस्ट लोडनू वहन करी शकता नथी। बीजा नंबरे आवे छे सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग। थ्री टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रोलर बेरिंग आर इन कॉमनली यूज। ત્રણ પ્રકારના સિલિન્ડ્રિકલ રોલર બેરિંગ જે છે તે જનરલી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે। ધ સિંગલ રો સ્ફેરિકલ રોલર બેરિંગ હેવ ધ હાઈ રેડિયલ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી એન્ડ લિટલ થ્રસ્ટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી। સિંગલ રો સ્ફેરિકલ રોલર બેરિંગ જે છે તેના માટે હાઈ રેડિયલ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી મળે છે અને થ્રસ્ટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી જે છે તે પ્રમાણમાં ઓછી જોવા મળે છે। આકૃતિની અંદર કયા રીતે એનો દેખાવ છે તે જોઈ શકાય છે। નેક્સ્ટ આવે છે ડબલ રો સ્ફેરિકલ રોલર બેરિંગ। જે રીતે આપણે ડબલ રો ડીપ ગ્રુપ બેરિંગ બોલ બેરિંગની અંદર જોઈ ગયા તે રીતે અહીંયા પણ આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના રોલર બેરિંગની અંદર પણ ભાગ પડેલા છે। તો તેની અંદર જોઈએ તો ડબલ રો સ્ફેરિકલ રોલર બેરિંગ કેન કેરી થ્રસ્ટ અપ ટુ અબાઉટ 30% ઓફ રેડિયલ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી। એટલે કે ડબલ રો સ્ફેરિકલ રોલર બેરિંગ ની રેડિયલ લોડ વહન કરવાની ક્ષમતા લગભગ 30% સુધી થ્રસ્ટ વહન કરીને કરાવી શકાય છે। નેક્સ્ટ આવે છે સ્ફેરિકલ રોલર થ્રસ્ટ બેરિંગ।
तो स्फेरिकल थ्रस्ट रोलर थ्रस्ट बेरिंग नी जे रचना कई रीते छे ते बाजूनी अंदर आकृति में बतावेली छे। द स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग केन केरी द लार्ज थ्रस्ट इन वन डायरेक्शन। स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग जे छे ते एक दिशा नी अंदर वधारे थ्रस्ट नू वहन करी सके छे अथवा तो थ्रस्ट नू मोटा प्रमाण में वहन एक ज दिशा में करी सके छे। दे आर यूज इन पेर, तेनो उपयोग सामान्य रीते जोड़ियो में थतो होय छे। नेक्स्ट आवे छे टेपर रोलर बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग जे छे तेनी रचना अहीं आकृति में बताया प्रमाणेनी छे। अहीं आउटर रेस अने इनर रेस नो जे शेप जे छे ते थोड़ो टेपर शेप में आपवामां आवेलो होय छे। The taper roller bearing consists of the rolling element that are frustum of the cone. Taper roller bearing માં rolling element એવા હોય છે કે જે cone shape ના cut માં આપવામાં આવેલા હોય. They can carry high radial as well as thrust load. અને આ પ્રકારના bearing high thrust load અને high radial load નું વહન કરી શકે છે. However, they can take thrust load in only one direction and hence are used in pair to take thrust load in both direction. અને સામાન્ય રીતે તે ફક્ત એક દિશાની અંદર thrust load નું વહન કરી શકે છે અને જો તેની pair નો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આવા કિસ્સામાં આ પ્રકારના bearing દ્વારા thrust load નું વહન બંને દિશાની અંદર કરી શકાતું હોય છે. नेक्स्ट आवे छे नीडल रोलर बेरिंग। नीडल रोलर बेरिंग जे छे ते आकृति में बताया प्रमाणे छे जेनी अंदर एक केज बनावामां आवेलो होय छे अने तेमां नीडल टाइपना रोलर वच्चेना भागे फिक्स करवामां आवे छे। तो नीडल रोलर बेरिंग आर यूजफुल वेर द रेडियल स्पेस इज लिमिटेड। रेडियल रोलर बेरिंग जे छे के ज्यां रेडियल लोड वहन करवानी क्षमता અને જગ્યા લિમિટમાં હોય તો ત્યાં આ પ્રકારના બેરિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને ધે હેવ હાઈ રેડિયલ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી અને તેની રેડિયલ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી જે છે તે વધારે છે। આ પ્રકારના બેરિંગ આપણે ઓટોમોટિવ વ્હીકલની અંદર સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો જે કોન્સ્ટન્ટ મેશ ગિયરબોક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો કોન્સ્ટન્ટ મેશ ગિયરબોક્સની અંદર શાફ્ટ ઉપર ગિયરને ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ तो ते बन्ने वच्चे जे कॉन्टेक थाय तो ए कॉन्टेक माटे आ प्रकारना बेरिंग जनरली यूज थता होय छे अथवा तो आपणे यूज करीए छीए। टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग छेल्लो प्रकार छे रोलर बेरिंग नी अंदर। तो टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग आर यूज टू टेक प्योर थ्रस्ट लोड। प्योर थ्रस्ट लोड नु वहन करवा माटे टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग नो उपयोग करवामा आवे छे। आ प्रकारना बेरिंग नी रचना आकृति मा बतावा प्रमाणे नी छे। तो मित्रों आ रीते अलग अलग प्रकारना बेरिंग्स के जे आपणे ऑटोमोटिव व्हीकल नी अंदर उपयोग करीए छीए आ उपरांत अलग अलग प्रकारना मशीन टूल्स अथवा तो एसेम्बली के ज्यां बेरिंग नो उपयोग करीए छीए तो तेमा जे बेरिंग बॉल बेरिंग टाइप होय रोलर टाइप होय अथवा तो स्लाइडिंग टाइप ना होय छे तो तेनुं वर्गीकरण अने तेने लगती जे बेसिक माहिती जे छे ते अहींया आपणे पूरी करीए छीए। हवे पछीना लेक्चरमां आपणे चर्चा करीशुं बेरिंग माटेना मटीरियल विशे।